अच्छा है, किसी को दरवाजे से पता है पानी पिलाने का। क्या कोई वीडियो बना ले यार, लोग करते हैं गलत करा है। नहीं क्या विचार भाई का बनाएंगे दोस्तों। आपको निर्भया कांड याद होगा, दिल्ली में दशकों पहले बलिया की एक बेटी के साथ बहुत दरिंदगी हुई थी, जिसको आज तक देश भूल नहीं पाया। तब तक बलिया की एक और बेटी नहीं रही वो बेटी जो आज से छः दिन पहले दशहरे का मेला देखने गई थी, अचानक गायब हो गई। सवेरे पुलिस को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर घायल अवस्था में मिली। उसे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया, जिला अस्पताल भेजा गया, वाराणसी भेजा गया और आज उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों आज का वीडियो हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में ये उत्सुकता होगी कि बेटी के घर के हालात क्या हैं, बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, बेटी के गांव के हालात क्या हैं, बेटी के आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए वीडियो में आप देख रहे हैं बिटिया के घर के हालात। बिटिया के घर में इतनी ज़्यादा फोर्स लगी हुई है कि लोगों का आपस में बातचीत करना भी मुश्किल हो गया है। बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, चौराहे पर बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पास में स्थित एक मस्जिद पर बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि ऐसा आरोप लगा है कि किसी अन्य समुदाय के लड़के ने इस तरीके का काम किया है, उसको मारपीट करके घायल कर दिया है। दुष्कर्म की अभी उसके साथ कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो हम भी उसके साथ पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन उस बिटिया ने दम तोड़ दिया। हम आपको उसके घर का माहौल ये दिखा दिया है हमने आपको। अब आप देखिए यहाँ पर POC की बटालियन है, यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है। ये रोड का माहौल भी आप देख लीजिए और ये मस्जिद का भी माहौल देख लीजिए और भी गाँव के क्या हालात हैं आप देखिए हमारे इस वीडियो में। आपने हालात देखे दोस्तों। मैं हूं अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।